Hi Dr. Archana Singh, welcomes you all to my educational channel. Today's topic of discussion is monitoring of labor and management. First we'll see the points of discussion. Monitoring of labor and management of the first stage of labor, during the second stage of labor, during the third stage of labor and during the fourth stage of labor. First we'll see the aims of the monitoring and management of the labor. To delivery of a healthy normal child, and अगर कोई intrapartum complication हो रहा है during delivery, कोई complication हो रहा है तो उसको earliest जल्दी से जल्दी detect हो जाए और वो उसका treatment accordingly हो जाए, जिससे कि mother और baby दोनों ही healthy रहे. some general consideration, encouragement of the patient and social, psychological and emotional support to the patient. एंटीसेप्टिक एसेप्सिस प्रोसीजर, फुल जितना भी प्रोसीजर जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो एंटीसेप्टिक होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन कहीं से भी ना हो. पेशेंट केयर, पेशेंट का पार्ट प्रिपरेशन, बाथ, क्लीन गाउन एंड स्टे मोबाइल. वेजाइनल एग्जामिनेशन रिस्ट्रिक्टेड टू मिनिमम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. मैनेजमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर, ये नॉन इंटरफेरेंस, मतलब आपको इंटरफियर ज़्यादा नहीं करना है. यहाँ पे क्या करना, वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी, वॉच करना है सो एज टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द नेचुरल बर्थ. ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना है. एंड टू मॉनिटर केयरफुली, मॉनिटर करना है केयरफुली प्रोग्रेस ऑफ द लेबर एंड मैटरनल एंड फीटर कंडीशन सो एज टू डिटेक्ट एनी इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन अर्ली. फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में मैनेजमेंट में 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे. फर्स्ट असेसमेंट के प्रॉपर हिस्ट्री लेना है, उसके बाद एग्जामिनेशन करना है, जनरल एब्डोमिनल वजाइनल एंड इन्वेस्टिगेशन. फिर उसके बाद प्रिपरेशन एंड केयर ऑफ द पेशेंट एंड असेसमेंट ऑफ द लेबर प्रोग्रेस एंड पार्टोग्राफ रिकॉर्डिंग. असेसमेंट है फर्स्ट पेशेंट के आने के बाद उसका हिस्ट्री, पहले उसको चेक करना है कि जो प्रीवियस एंटीनेटल चेकअप्स के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, प्रीवियस एंटीनेटल चेकअप विजिट्स के रिकॉर्ड्स, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हुआ उसका सारा चेक करना है. अगर ANC रिकॉर्ड्स, एंटीनेटल चेकअप रिकॉर्ड्स नहीं अवेलेबल है तो प्रॉपर उसका कंप्लीट हिस्ट्री लेना है. एंड हिस्ट्री लेने के बाद फिर एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन, उसका पेशेंट का BP, टेम्परेचर, पल्स रेट, उसका हार्ट, लंग, पैलर, एडिमा, ये सब प्रॉपर चेक करना है. फिर उसके बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है. तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन सबसे पहले इंस्पेक्ट करना है कि कोई एब्डोमिनल स्कार, स्पेशली सीजेरियन सेक्शन के स्कार तो नहीं प्रेजेंट है, है तो उसको नोट डाउन करना है. लाई, प्रेजेंटेशन, पोजीशन, एंगेजमेंट, फीटस का ये चेक करना है. फीटस का हार्ट रेट एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली एग्जामिन करना है. एंड नेक्स्ट इसमें वेजाइनल एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन फुल्ली एसेप्टिक करना चाहिए, एसेप्टिक प्रिकॉशन रखते हुए. सर्विक्स इसमें देखना है, सर्विक्स का डायलेटेशन, इफेसमेंट, कंसिस्टेंसी, पोजीशन एंड प्रेजेंटिंग पार्ट का पोजीशन, स्टेशन देखना है. अगर हेड है प्रेजेंटिंग पार्ट तो कैपुट फॉर्मेशन तो नहीं, वो चेक करना है. मोल्डिंग ये सब चेक करना है. एंड मेम्ब्रेन का स्टेटस, जो फीटल मेम्ब्रेन है कि वो इंटैक्ट है कि रप्चर है. अगर रप्चर हो गया है तो एमनियाटिक फ्लूइड जो है उसका कंडीशन कि वो क्लियर है या मेकोनियम स्टेंड है. एंड पेल्विक की एडिक्वेसी देखना है कि पेल्विक कितना एडिक्वेट है, मतलब पेल्विक एडिक्वेट है कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, वजन डिलीवरी के लिए. एंड अगर सस्पेक्टेड है कोई केस ऐसा कि वजैनल ब्लीडिंग के साथ अरे सस्पेक्टेड प्लेसेंटा प्रीविया है, तो वहाँ पे वजैनल एग्जामिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, वहाँ पे वजैनल एग्जामिनेशन नहीं करना है. पेशेंट एक्टिव लेबर में है उसको एडमिशन करना है लेबर वार्ड में. एंड उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, उसको रिसेंट रिकॉर्ड्स देखने हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या है, नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ब्लड और यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन के लिए सेंड करना है इन्वेस्टिगेशन के लिए. एंड नेक्स्ट इसमें आता है प्रिपरेशन एंड केयर ऑफ द पेशेंट. जनरल है इसमें एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग, इंकरेजमेंट करना है, कॉन्स्टेंट सुपरविजन, बॉवेल, सोप वाटर, एनिमा या ग्लिसरीन सपोजिटरी देना है बॉवेल क्लियर करने के लिए. पार्ट प्रिपरेशन, जो भी पेरिनियल हेयर है उसकी क्लिपिंग करना है. एंड रेस्ट एंड एम्बुलेंस, उसके अकॉर्डिंग टू पेशेंट विश, अगर वो रेस्ट करना चाहे तो रेस्ट करे, अगर वो वॉक करना चाहे तो वॉक करे.
बट अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, फीटल मेम्ब्रेन, तब वॉक कर सकती है। अगर रप्चर हो गया तो रेस्ट करना चाहिए, उसमें वॉक नहीं करवाना चाहिए। देयर इज द चांस ऑफ द कार्ड प्रोलैप्स। और ड्यूरिंग एक्टिव लेबर उसको फूड नहीं देना है, कोई भी ओरल फूड नहीं देना है। अर्ली लेबर में उसको लिक्विड दे सकते हैं, फ्लूइड दे सकते हैं, अगर ज़रूरत है तो आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। ब्लैडर केयर उसको इनक्रेज करना है यूरिन पास आउट करने के लिए अपने आप ही, अगर वो नहीं कर पाती है तो कैथेटराइजेशन करना है। एंड अगर इनटॉलरेबल पेन हो, बहुत सीवियर पेन है, तो पेथिडिन इंजेक्शन देना है। IM वो 4 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ लेबर प्रोग्रेस एंड पार्टोग्राफ रिगार्डिंग। अब इसके बाद क्या करना है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इसको 10 मिनट के लिए एक बार चेक करना है। बार बार ऐसे चेक करते रहना, तो एक बार पूरा 10 मिनट के लिए चेक करना है। उस 10 मिनट्स में इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी चेक करना है कि कितनी 10 मिनट में कितने कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और कितने कितने देर के लिए वो कॉन्ट्रैक्शन रह रहा है। ये पूरा इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी पूरा प्रॉपरली चेक करना है। एंड फीटल वेलबिंग, फीटस हार्ट रेट फर्स्ट स्टेज में, अर्ली फर्स्ट स्टेज में तो आधे आधे घंटे में चेक करना है, बट लेटर फर्स्ट स्टेज में 15-15 मिनट पे चेक करते रहना है। या फिर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया है तो उसके बाद भी 15 मिनट पे फीटल हार्ट रेट चेक करते रहना है। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, जो वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, डिटेल उसमें करना है एग्जामिनेशन करके, सर्विस की कंडीशन, प्रेजेंटिंग पार्ट, ये सब, और मेम्ब्रेन का कंडीशन, और अगर मेम्ब्रेन रप्चर है तो कंडीशन है एमनियोटिक पे चेक करना है। एंड मैटरनल कंडीशन रिकॉर्ड, 2 आवरली BP, टेम्परेचर, पल्स रेट, टंग चेक करना है हाइड्रेशन के लिए, यूरिन आउटपुट नोट करना है, एसीटोन और ग्लूकोज के लिए यूरिन एग्जामिनेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन, एंड IV फ्लूइड और ड्रग्स जो भी है उसको प्रॉपर देना है और चेक करते रहना है। एंड मैटरनल और फीटल का कंडीशन कि डिस्ट्रेस में तो नहीं जा रही है, सब प्रॉपरली असेसमेंट करना है एंड इसको पार्टोग्राफ पे रिकॉर्ड करते जाना है। एंड मैनेजमेंट ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, इसमें 3 इवेंट्स हैं, प्रिपरेशन ऑफ डिलीवरी, प्रिपरेशन करना है पेशेंट को डिलीवरी के लिए, फिर उसके बाद डिलीवरी कंडक्ट कराना है, फिर इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, जैसे डिलीवरी हो गई तो उसके बाद इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न क्या करना है, ये सब। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ पोजिशन, तो मदर अब सेकेंड स्टेज में कॉन्स्टेंट बेड पर ही रहेगी और उसका पोजिशन जो होगा, कोई भी कम्फर्टेबल पोजिशन पेशेंट के लिए, जहाँ जिससे कि इफेक्टिव बियरिंग डाउन कर सके, लैटरल पोजीशन, पार्शियल सिटिंग या डॉर्सल पोजीशन विद 15 डिग्री लेफ्ट लैटरल टिल्ट, ये सुटेबल पोजीशंस होते हैं। और उसको कांस्टेंट सुपरविजन करना है, पेशेंट हमेशा बेड पे ही रहेगी सेकेंड स्टेज में। फीटल हार्ट रेट या तो कंटिन्यूस चेक करते रहना है या फिर आफ्टर ईच कॉन्ट्रैक्शन फीटल हार्ट रेट चेक करना है। और जो भी डॉक्टर असिस्टेंट जिनको भी डिलीवरी करवाना है, वो स्टराइल गाउन, मास्क, ग्लव्स, गमबूट्स पहन के पेशेंट के टेबल के राइट साइड में स्टैंड हो, खड़े हो जाएं। एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन सेकेंड स्टेज के बिगनिंग पे करके चेक करना है कि ऐसा तो नहीं कॉर्ड प्रोलैप्स या कोई और प्रॉब्लम हो रही, प्रॉपर चेक करना है। एंड स्टराइल पेंटिंग, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इनर थाइस, जो पेरिनियल रीजन पूरा है, उसको स्टराइल पेंटिंग करना है। एंड 3 C's है इसमें, क्लीन सरफेस, मतलब जहाँ डिलीवरी करना है वो सरफेस क्लीन, और बाकी सारे सरफेस क्लीन होने हैं, जो हैंड्स इन्वॉल्व होंगे डिलीवरी में वो क्लीन होने हैं, एंड अम्बिलिकल कार्ड की कटिंग और लाइगेशन ये क्लीन होना है। एसेप्टिक पूरा प्रिकॉशन करना है, अगर ब्लैडर फुल हो रहा है तो उस समय उसको कैथेटर से एम्प्टी करना है। नेक्स्ट इसमें आता है कंडक्शन ऑफ डिलीवरी, तो फर्स्ट होता है इसमें डिलीवरी ऑफ हेड, देन शोल्डर, देन ट्रंक। तो अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन फीटस है तो डिलीवरी ऑफ हेड, कंट्रोल्ड डिलीवरी ऑफ हेड करवाना है, मतलब पेरिनियल रीजन पे सपोर्ट देते हुए डिलीवरी का, हैंड से सपोर्ट देते हुए डिलीवरी करवाना है हेड का, ताकि पेरिनियल लैसिरेशन या पेरिनियल में कोई लैसिरेशन ना हो सके। अगर ज़रूरत लगे तो एपिजियोटमी देना है। एंड आफ्टर डिलीवरी ऑफ हेड, बेबी के माउथ और नोज को सक्शन करना है। एंड टाइम ऑफ डिलीवरी नोट करना है। उसके बाद डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर एंड पोस्टीरियर शोल्डर उसके बाद करना है। फिर शोल्डर डिलीवरी के बाद हाथ से फेटस को सपोर्ट देते हुए ट्रंक की डिलीवरी कराना है। उसके बाद 15-20 सेकेंड वेट करना है, देन क्लैम्प है एंड कट करना है अम्बिलिकल कॉर्ड को, जिससे जो भी ब्लड है प्लेसेंटा से फीटस में आ जाए ड्रेन होके। एंड इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, सून आफ्टर डिलीवरी बेबी को जो एक क्लीन ड्राई क्लॉथ से कवर हो उसमें उसको बेबी को रखना है,
और हेड थोड़ा सा स्लाइटली डाउनवर्ड करके रखना है, जिससे ग्रेविटी से जो भी ट्रेक्योब्रैंकियल ट्री में म्यूकस हो फीटस के, वो ग्रेविटी से ड्रेन होकर बाहर निकल जाए। एंड जेंटल सक्शन के द्वारा उसके माउथ और नोज में जो भी म्यूकस या लाइकर है उसको क्लीन कर देना है। एंड अबगार रेटिंग 1 मिनट या और 5 मिनट पे, 1 मिनट एंड 5 मिनट पे इसको रिकॉर्ड करना है। एंड कॉर्ड का क्लैंपिंग एंड लैगेचर करना है। मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज, इसमें इवेंट्स होता है, इसमें डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड पेरिनियल रीजन एंड रिपेयर ऑफ इपिजियोटमी, इफ इपिजियोटमी पहले दिया गया है तो। मोस्ट दिस इज़ द थर्ड स्टेज इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेज, क्योंकि यहीं पे पीपीएच होने का सबसे अधिक, पोस्टपार्टम होने का सबसे अधिक, पोस्टपार्टम हेमरेज होने का सबसे अधिक दिक्कत रहता है। तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड टू फॉलो द मैनेजमेंट गाइडलाइन स्ट्रिक्टली। तो इसमें है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट है या एक्टिव मैनेजमेंट है। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशनली जो मैनेजमेंट चला रहा है कि प्लेसेंटा सेपरेट होके एंड वेजाइना में इसको डिसेंट अपने आप स्पॉन्टेनियस है वो होता है, या फिर असिस्टेंट एक्सपल्सन कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन या फंडल प्रेशर के द्वारा कराते हैं। एंड बट अभी नाउ इट इज़ क्या होता है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर करते हैं, ताकि पीपीएच या और कोई जो थर्ड स्टेज का कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट कर सकें। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ही एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हुआ, मेथाजिन इंजेक्शन देते हैं एंड ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं डिलीवरी ऑफ फिटस के बाद, एंड यूट्राइन मसाज, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, इससे प्लेसेंटा डिलीवरी के कराते हैं। अगर इससे प्लेसेंटा डिलीवरी नहीं हो रहा तो प्लेसेंटा का मैनुअल रिमूवल, हाथ से निकालते हैं। एंड मैनेजमेंट ऑफ द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, ये ऑब्जर्वेशनल स्टेज है, इसमें क्या करना है, पल्स, बीपी एंड बिहेवियर ऑफ यूट्रस, यूट्रस प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, फॉर्म हुआ है कि नहीं, ऐसा तो नहीं ये रिलैक्स हो रहा है, ये सब प्रॉपर चेक करना है। और अगर एनी नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग है उसको चेक करना है एटलीस्ट 1 आवर आफ्टर डिलीवरी। एंड बिफोर डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द डिलीवरी आपको प्रॉपर चेक करना है, यूट्रस मस्ट बी फर्म, वो रिलैक्स नहीं करना चाहिए। एंड अगर कोई भी इंट्रा यूट्राइन ब्लड क्लॉट्स हो तो इसको रिमूव करना है, और इंट्रोइटस, जो वेजाइनल इंट्रोइटस, प्रॉपर चेक करना है, देयर शुड नो एनी हेमरेज। यूरिन पास आउट करना है बिफोर डिस्चार्ज, एंड मदर एंड फीटस शुड बी इन गुड कंडीशन। बेबी को देखना है कि वेल ब्रीदिंग, अच्छे से ब्रीद कर रहा है, नॉर्मल कलर एंड टोन होना चाहिए, तब उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं डिलीवरी रूम से। एंड स्टूडेंट, यहाँ पे आपका मैनेजमेंट ऑफ लेबर कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।